नेक्स्ट जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है वो शाम सीरीज के चैप्टर नंबर 7 कंटीन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड है। कंटीन्यूअस फंक्शन आपके पास क्या है पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब इसमें आपको क्या कहता है कि एक्स टा और वाई टा स्टार दो आपने टोपोलॉजिकल स्पेसेस लेनी है और उनके दरमियान में एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाना है, मतलब एक्स से वाई तक एक फंक्शन आपने इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा अगर ये बात पूरी हो जाती है। ये बात आपको क्या कहती है, ये बात आपको ये बता रही है कि आप यहां से y के वो सबसेट्स लें जो किसमें पड़े हों, टा स्टार में पड़े हों। y के वो सबसेट्स जो टा स्टार में होंगे वो ऑब्वियसली क्या होंगे, ओपन सबसेट्स होंगे, क्योंकि टा में जो भी चीज पड़ी होती है वो ओपन होती है। मतलब y के आपने सारे के सारे सबसेट्स नहीं उठाने, y के आपने वो सबसेट्स उठाने हैं जो टा के अंदर है, चाहे वो सारे टा के अंदर है, चाहे दो तीन टा के अंदर है, चाहे चार पांच टा के अंदर है, लेकिन आपने वही उठाने हैं जो टा स्टार के अंदर है। वो कहता है वो वाले सबसेट जो टा स्टार के अंदर है वो उठाएं और उन पर एफ इनवर्स लगाएं, और एफ इनवर्स लगाने से अगर वो चीज किसमें चली जाती है, टा में चली जाती है। वो चीज टा में अगर जाएगी तो इसका मतलब है वो टा किसकी टोपोलॉजी है, एक्स की, तो इसका मतलब होगा वो टा ओपन सबसेट्स किसके बन जाएंगे, एक्स के। मतलब इन शॉर्ट आपने ये कहना होगा कि यहां से आपने ओपन सेट उठाना होगा, उस पर एफ इनवर्स लगाना होगा और वो जाना चाहिए इस जगह पर। मतलब इनवर्स इमेज ऑफ एवरी टा स्टार ओपन सबसेट ऑफ वाई इज टा ओपन सबसेट ऑफ एक्स। अब आपको इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो सिंपल सी एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी कि अगर मैं एक फंक्शन ले लेती हूं, ठीक है, और वो मैंने टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा से वाई इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी तक डिफाइन किया है। अब मुझे ये मालूम है कि इस आई में कौन कौन से मेंबर होंगे, चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ चुके हैं इसमें एक वाई होगा और एक इसमें क्या होगा, फाई होगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस टोपोलॉजी के तमाम मेंबर्स उठाने हैं क्योंकि उसने यहां पर डेफिनेशन में बाउंड किया है फॉर एवरी टा स्टार ओपन सबसेट, ठीक है। आपने बारी बारी उठाना है, पहले ये वाला मेंबर लिया तो इसका मतलब है ये आई के अंदर था, मतलब वाई की टोपोलॉजी के अंदर मौजूद था, लिहाजा ये जो वाई है ये ओपन सबसेट है किसका, इस वाई का। इसी तरीके से ये फाई है ये टोपोलॉजी के अंदर है, लिहाजा ये जो फाई है ये ओपन सबसेट है किसका, इस वाई का। अब मैंने क्या करना है, इनको बारी बारी उठाना है, इन पर एफ इनवर्स लगाना है और वो इस टोपोलॉजी के अंदर आना चाहिए। ये टोपोलॉजी मैंने जनरल लिखी है, ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन टोपोलॉजी के एग्जाम के मुताबिक इसमें दो चीजें तो लाजमन होंगी, वो कौन कौन सी होंगी, एक फाई होगा और दूसरा वो पूरी की पूरी स्पेस होगी, और इस टोपोलॉजी के लिए स्पेस आपके पास क्या है, एक्स है। बाकी और भी चीजें इस पर हो सकती है क्योंकि ये मैंने जनरल डिफाइन की है। अब मैंने क्या करना है, मैंने कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन लगानी है, तो मैंने यहां से मेंबर उठाने हैं। मैंने यहां से पहला मेंबर ले लिया, कौन सा, वाई। इस y पर मैंने इनवर्स लगाया, याद रखिएगा जो स्पेस होती है उसका इनवर्स भी स्पेस होता है, स्पेस की इमेज भी स्पेस ही होती है। ये स्पेस थी, इसका इनवर्स इमेज भी स्पेस आएगा और यहां पर स्पेस x है, ठीक है। ये मैंने पहला सबसेट लिया था इस टोपोलॉजी का, ठीक है, उसका मैंने इनवर्स लिया तो वो ये चीज आ गया। मुझे मालूम है कि ये टा जो है इस स्पेस के लिए डिफाइन किया गया है, तो इस टर्म में कम से कम दो चीजें तो लाजमन होंगी, वो कौन कौन सी होंगी, एक एक्स होगा और एक फाई। तो ये देखें ये एक्स इस टर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो मैंने पहली बात पूरी कर ली कि पहला एलिमेंट लिया था उसका इनवर्स इमेज लिया, जो आंसर आया वो टर्म के अंदर मौजूद है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने दूसरा सेट लेना है सबसेट। फाई मैंने लिया, इस पर मैंने इनवर्स अप्लाई किया, याद रखिएगा जो एम्प्टी सेट होता है उसकी इमेज भी एम्प्टी होती है, उसकी प्री इमेज भी एम्प्टी होती है, ठीक है। एफ का जब मैं एम्प्टी सेट की मैंने प्री इमेज लेनी है तो वो भी मेरे पास क्या आएगा, फाई आएगा, और फाई लाजमन टोपोलॉजी के अंदर पड़ा होता है। अब देखें कि मेरी बात यहां पर पूरी होगी कि मैंने तमाम एवरी तमाम टा स्टार ओपन सबसेट्स लिए थे, मतलब वाई की टोपोलॉजी के जितने भी मेंबर्स थे वो लिए थे,
उन पर बारी बारी क्या अप्लाई किया था, एफ इनवर्स अप्लाई किया था, और जो आंसर्स मेरे पास आए हैं वो इस स्टॉक के मेंबर्स बन गए हैं। लिहाजा ये जो एफ आपके पास है ये आपके पास कौन सा फंक्शन बन गया, ये आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है इसी चैप्टर का 7.1 प्रपोजिशन के नाम से होगा। अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ईच मेंबर ऑफ बेस बीटा फॉर वाई इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। अब यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का वर्ड आ गया, इसका मतलब है हमने पहले इफ से पहले वाली चीज सपोज करनी है, इफ के बाद वाली चीज प्रूव करनी है, फिर हम इसका कन्वर्स करेंगे कि इफ के बाद वाला सपोज करेंगे और इफ से पहले वाला क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो इसका प्रूव आप देखें बहुत सिंपल सा है। सपोज करते हैं जो फंक्शन आपका एक्स टा से वाई टा स्टार तक है इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस है, ये हमारा हाइपोथेसिस है, मतलब हमने सपोज किया है। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव इनवर्स इमेज ऑफ ईच मेंबर ऑफ बेस बीटा फॉर वाई इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, इफ से पहले वाला सपोज में लिख लिया और इफ के बाद वाला वी हैव टू प्रूव कवर डाल के वो लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, मुझे वो कहते हैं साबित ये करें कि ये जो वाई है ना इसके लिए मैंने आपको एक बेस बीटा दी हुई है, ठीक है, तो आपने ये प्रूव करना है कि उस बेस के हर मेंबर का जब आप इनवर्स लेंगे वो एक्स में ओपन होगा, क्योंकि ये जो बेस है ये वाई के लिए डिफाइंड है। तो हमने यहां से सिर्फ और सिर्फ हमें ये मटेरियल दिया गया है कि बेस वाई की है, बेस एक्स की है या नहीं वो हमें नहीं बताया गया। अब अगर यहां पर आप देखें कि हमें मालूम है फंक्शन क्या है, आपके पास कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है, वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा सुन सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब आप यहां से कोई ओपन सबसेट लेते हैं और उसका इनवर्स यहां पर आपके पास ओपन आ जाता है, ठीक है। अब मुझे गिवन क्या है, मैं मतलब लिख लेती हूं, मुझे मेरे पास गिवन क्या है, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, एफ आपके पास कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास क्या होगा, सो इनवर्स इमेज ऑफ एवरी टा स्टार ओपन सबसेट ऑफ वाई इज टा ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे जो हाइपोथेसिस में कंटिन्यूअस बताया तो मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूं, वो मैंने लिख लिया है। अब मुझे ये पता है कि बेस किसके लिए डिफाइन की गई है, बीटा उसने बताया हुआ है बेस फॉर वाई है, सिंस बीटा इज बेस फॉर वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बेस फॉर वाई का मतलब होता है, याद रखिएगा आप जो चैप्टर सिक्स है उसके लेक्चर्स अगर आप सुनेंगे दोबारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो जो बेस होती है ना वो हमेशा टोपोलॉजी का सबसेट होती है, मतलब बेस हमेशा कंटेन करती होती है टोपोलॉजी में। अब वाई के लिए टोपोलॉजी क्या है, टा स्टार है, और बेस भी किसके लिए है, वाई के लिए, तो इसका मतलब है बेस और टा स्टार में आपस में रिलेशन क्या होगा, इनका आपस में ये रिलेशन होगा जो बीटा होगा वो टा स्टार में कंटेन करेगा, मतलब बीटा सारा का सारा कहां से आ रहा होगा, टा स्टार के अंदर से आ रहा होगा। अब जरा गौर करें, डेफिनेशन आपको जो आपने हाइपोथेसिस लिया हुआ ना वो कहता है कि टा स्टार का जो मर्जी सबसेट ले लें उसका इनवर्स हमेशा
एक्स में ओपन होगा। अगर मैंने यहां से बीटा को कोई मेंबर लिया है तो बीटा बेसिकली कहां से बन रहा होता है, वो टा के अंदर से ही बन रहा होता है ना, मतलब टा स्टार के कुछ मेंबर्स हमने इकट्ठे करने होते हैं और उन पर वो एक्सियम्स पूरे करने होते हैं बेस के, तो बेसिकली यहाँ के ही कुछ मेंबर्स हम उठा के यहाँ बीटा में ला रहे होते हैं। यहाँ का अगर कोई ओपन सबसेट है उन्हीं को कुछ आगे पीछे करके उनमें से कुछ छोड़ के कुछ उनमें से सेलेक्ट करके हमने बीटा बनाया होता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बीटा के मेंबर्स ओपन नहीं है, क्योंकि वो टा स्टार के अंदर से आ रहे हैं तो टा स्टार का हर मेंबर ओपन है, लिहाजा बीटा का भी हर मेंबर क्या होगा, ओपन। लेकिन फर्क ये रहेगा टा स्टार के मेंबर को हम खाली टा स्टार ओपन सबसेट कहते हैं और बीटा के मेंबर्स को हम बेसिक ओपन सबसेट्स कहते हैं या बेस ओपन सबसेट्स कहते हैं। अगर ये वाली डेफिनेशन यहां पर हम लगाएं तो इसका क्या मतलब होगा कि ऊपर हम कह चुके हैं कि टा स्टार का हर ओपन सबसेट इनवर्स इमेज रखता है एक्स में, यहां का यही के तो मेंबर उठा के ये बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि बीटा के भी जो मेंबर्स भी आप उठाएंगे, सो एवरी बी बिलोंग्स टू बीटा, वो क्या होगा, वो भी आपके पास ओपन इन वाई होगा, क्योंकि वो वाई की टोपोलॉजी से बन रहा है ना, वाई की टोपोलॉजी से बन रहा है, इसका मतलब है वाई की टोपोलॉजी के अंदर से ही कुछ मेंबर्स जमा करके बीटा बनाया गया। सो एवरी बी बिलोंग्स टू बी, बीटा इज एन ओपन सबसेट ऑफ वाई, और जो मतलब ओपन सबसेट होगा वाई का डेफिनेशन के मुताबिक उसका इनवर्स किस में ओपन होगा, एक्स में ओपन होगा। This implies that F inverse of B is open subset of X, और रीजन क्या है, रीजन है हमारी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, जो आप सपोज करते हैं कि सपोज में आपने एक किया हुआ था, लिहाजा सपोजिशन से जो जो Y का ओपन सबसेट होगा उसका इनवर्स इमेज ओपन सबसेट किसका बनेगा, एक्स का बनेगा, और यही चीज आपने क्या करनी थी, वो प्रूव करनी थी इस पार्ट में। हमने करना है इसका कन्वर्सली, कन्वर्सली सपोज आप ये करेंगे जो इसके बाद है, सपोज द इनवर्स इमेज ऑफ ईच member of base beta for y is open subset of x। हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूव करना है कि जो आपके पास फंक्शन कहां से कहां तक है, x star से y टा स्टार तक है, वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अब किसी चीज को कंटिन्यूअस प्रूव करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यूअस प्रूव करने का मतलब ये है कि आप यहां से ओपन सबसेट लें और उस पर इस फंक्शन का इनवर्स लगाएं तो वो चीज ओपन किस में आ जाए, x में आ जाए। तो वो हम प्रूव करते हैं कि हम लोगों ने यहां पर ना, अब आपने राइटिंग स्टाइल चेक करना है, बिलोंग्स टू कहाँ आना है और सबसेट की कंटेनमेंट कहाँ आनी है। इस चीज पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो ये चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। हम लोगों ने ये करना है कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमने यहां से ओपन सबसेट लेना है, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज एच बी ओपन सबसेट ऑफ y, h जो है ओपन सबसेट ऑफ y, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सबसेट का मतलब ये होगा, और इसी का दूसरा मीनिंग क्या होगा कि h बिलोंग किससे करता है, टा स्टार से। सबसेट है तो वो ये वाली चीज लिखी जाती है मैथमेटिकली, और ओपन सबसेट है y का तो इसका मतलब है ये जो H है वो Y के टोपोलॉजी के अंदर पड़ा है, इस वजह से वो ओपन है। तो Y की टोपोलॉजी आपके पास टा स्टार है, इसका मतलब है H किसके अंदर पड़ा हुआ है, टा स्टार के अंदर पड़ा हुआ है। अब फर्दर उसने आपको ये कहा हुआ है कि आपके पास तो क्या है, आपके पास बीटा जो है वो बेस है Y की,
प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आप सुने तो आपको पता चलेगा कि जब जब आप बीटा के मेंबर्स का यूनियन लेते हैं तो टा के मेंबर्स बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास एच है ये फिर कैसे बन रहा है, अगर एच टा स्टार में है और टा स्टार के लिए ही आपको क्या दी गई है, बेस दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एच बना है ये कैसे बना है, ये बना है यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा लेने से। मतलब जो आपके पास बेस थी आपने क्या किया, उनके मेंबर्स का यूनियन लिया है। जब आप यूनियन ले लेते हैं तो जवाबन जो आपको चीज मिलती है वो बेसिकली टा बनती है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये डिटेल में पढ़ा है कि बेसिस कैसे बनती हैं, सब बेसिस कैसे बनती हैं। तो एच अगर टा स्टार में है तो इसका मतलब है एच कैसे बन रहा है, एच अपनी बेस के मेंबर्स का यूनियन लेने पर बन रहा है। रीजन आपके पास क्या है, बीटा इज बेस फॉर वाई, जिसने हमें हाइपोथेसिस में दिया हुआ है। अब हमारा मतलब हमारा टारगेट क्या है, हमने यहां से ओपन सबसेट लेना, हमने उसका इनवर्स यहां लेकर आना है। हमने ओपन सबसेट तो वाई से ले लिया है, अब हमने इसका इनवर्स लेना है। आप दोनों तरफ इसको दूसरे अल्फाज में आप ऐसे लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी आई, ठीक है। और यहां पर बी आई कहां से आ रहे होते हैं, बीटा से आ रहे हैं। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन हो ये रिप्रेजेंटेशन हो, ये एक ही चीज की दो रिप्रेजेंटेशन है, जो मर्जी आप इस्तेमाल करें। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई करना है। ये ले मैंने इनवर्स अप्लाई कर दिया क्योंकि मैंने प्रूव करना है कंटिन्यूअस फंक्शन। आपके पास जो यूनियन होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसका मतलब है आप यूनियन को बाहर निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यूनियन आपका बाहर आ गया, ये हो गया एफ इनवर्स ऑफ बी आई। अब यहां पर गौरतलब बात है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हाइपोथेसिस को जरा गौर से पढ़ना है आपने। वो कहता है इनवर्स इमेज ऑफ ईच मेंबर ऑफ बेस बीटा फॉर वाई इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। मतलब वो कहता है कि जो वाई के लिए बेस है बीटा, उसका जो मेंबर भी लेंगे उसका जब इनवर्स लेंगे वो चीज ओपन होगी किस में, एक्स में। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि ये जिसको मैं सर्कल में बंद कर रही हूं, ये वाली चीज, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ओपन इन एक्स है बाय हाइपोथेसिस। अब ये अगर ओपन है तो हम लोग तो फिफ्थ चैप्टर में टोपोलॉजी के एक्सियम को डिस्कस करते हुए ये चीज डिस्कस करके आई है डिटेल से कि ओपन सेट्स का यूनियन, जितने मर्जी ओपन सेट्स हो जाएं, ठीक है, एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन इन एक्स। अगर ये जो सर्कल में चीज है ये ओपन इन एक्स है तो इसका मतलब है इनका मैं यूनियन भी ले लूं तो वो चीज किस में होगी, ओपन इन एक्स होगी, ठीक है। तो मैं यहां पर यही चीज कैसे लिख सकती हूं, मैं ये लिख सकती हूं, या दिस इंप्लाइज ना आप लगाएं, आप सिंस लिख लें, सिंस बाय हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मुझे ये बता रही है क्या कि मेरे पास एफ इनवर्स ऑफ बी आई इज ओपन इन एक्स, कि वो किस में है, ओपन एक्स में है। इसको आप स्टेरिक का नाम दे दें, बाद में हम इसको रीयूज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। दिस फर्दर इंप्लाइज यूनियन ऑफ एफ आई इज ओपन इन एक्स, ये भी आपको क्लियर है। इसका रीजन क्या है कि यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन, मतलब आप लिख सकते हैं यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। अब देखें ये जो आपके पास टेरिक है इसकी जो राइट साइड है वो सारी की सारी ओपन इन एक्स है। इक्वेलिटी आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन होता है, लिहाजा आप कह सकते हैं ये कि अगर इसकी राइट साइड ओपन इन एक्स है लिहाजा लेफ्ट साइड भी ओपन इन क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो मैं लिख सकती हूं क्या कि मेरे पास जो एफ इनवर्स ऑफ एच है इज ओपन इन एक्स।
ठीक है, यहाँ पर स्टेरिक इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स ऑफ एच इज ओपन एंड एक्स। अब देखिए हमारा टारगेट तो कंप्लीट हो चुका है। क्या हमने यहां से क्या लिया था, एक ओपन सबसेट लिया था वाई का और इस एज पर हमने इनवर्स लगाया है और वो ओपन सबसेट किसका हो गया है, एक्स का। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एफ आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है और आपका थ्योरम प्रूव हो गया है। ये आपके पास इतना ही लॉजिक इस थ्योरम में